हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ देवेंद्र सिंह और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह गए हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1-4 क्वेश्चन आपको करा दिया है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दिया हुआ है, उसमें जाके आप देख लीजिए। जिससे कि उससे पहले वाले जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट्स और प्रॉपर्टीज बताया था जो कि इसमें यूज होने वाला है, तो वो आप उसको स्टडी कर लीजिए, जिससे कि ये आसानी से बने। आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि टू रैशनल नंबर के बीच में कैसे हम डिफरेंट टाइप्स के या डिफरेंट नंबर आप इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरी चीज में क्या बताऊंगा कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनमें से इरेशनल नंबर कौन सा है और रैशनल नंबर कौन सा है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा और इसी तरीके से मैं बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय कमाए क्वेश्चन नंबर 5th से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है। और क्वेश्चन नंबर 5th में क्या कह रहा है कि 1/17 है, 1/17 को कितने नंबर के बाद वो रिपीटिंग हमको दिखता है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन। इन द सेंस क्वेश्चन में दिया है आपका कि 1/17 है, इसको कितने डेसिमल एक्सपेंशन तक में ये रिपीटिंग वैल्यू देता है। तो दोस्तों, आप क्या करेंगे, 1/17 का लॉग डिवीजन मेथड से डिवीजन करेंगे। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा आपको मिनट बता देता हूँ। जब इसको डिवीजन करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है डिवीजन करने के बाद, तो आता है 0. इन द सेंस फर्स्ट टाइम तो डिवीजन नहीं हो रहा, तो 0.588 8588 2352 2352 9 4117 4117 6 4 7 6 4 7 इतने टर्म के बाद ये रिमाइंडर फिर से वन आ जाता। अब इसका डिवीजन करने के बाद ये वैल्यू आती है, लेकिन इसको आपको पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप करेंगे 1/17, देखिए याद रखना 17/1 नहीं करना है आपको, 1/17 करना है। तो फर्स्ट टाइम जब डिवीजन करोगे तो डिवीजन नहीं होगा, पॉइंट लगा दोगे, राइट? ठीक है, यहाँ पर 0.0, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे तो यहां से जब इसको आप करेंगे अभी डिवीजन नहीं हो रहा, तो फिर 1.0 लगा दिया, पॉइंट लगाने के बाद फिर से 1 टाइम कर देंगे, डिवीजन नहीं हो रहा। अब इसको करेंगे तो ये किससे डिवीजन होगा, 5 टाइम्स होगा। तो 5 टाइम्स करोगे तो ये होगा, फिर माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 15, फिर 0 आ जाएगा, फिर डिवीजन करोगे। तो ऐसे डिवीजन आप करते रहेंगे, 8 से कर दोगे, देखिए ये, तो आप जब इससे डिवीजन करोगे तभी आपको 5 आ गया। तो ऐसे आप डिवीजन करते जाएगा, लास्ट में रिमाइंडर जब तक कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर 1 ना आ जाए। अगर रिमाइंडर 1 आ जाता है, इन द सेंस ये 1 आ गया, ये वाला 1 आ गया, तो यहां से वैल्यू फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप करके देखेंगे और ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, ये मैंने कैल कर लिया है, ये सलूशन है आपका, इतने टाइम के बाद ये फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। लिखिए यहाँ पे द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक। अब देखिए ये कितने नंबर आप टर्न
टर्न के बाद रिपीटिंग हो रहा है तो फिर काउंट करेंगे तो 4 4 2 8 और 8 4 12 हो जाएगा और 12 4 16 इन द सेंस 16 टाइम ब्लॉक के बाद ये फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इन द सेंस कि 16 नंबर डिजिट तक अगर हम इसको डिवीजन करते हैं तो देन फिर से अगेन रिमाइंडर 1 आ जाएगा और जब रिमाइंडर 1 आ जाता है तो वहां से जो भी वैल्यू होगी जो भी डिजिट्स होंगे वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज क्योंकि 1 हम 1 से ही 17 को डिवाइड कर रहे हैं राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो डिवीजन जो गिव डिवीजन कितना दिया है यहां पे लिख दीजिए ये डिवीजन आपका गिवन दिया हुआ तो हेंस यहां पे क्या लिख दोगे आप हेंस द रिपीटिंग ब्लॉक रिपीटिंग ब्लॉक हैज 16 डिजिट। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो रिपीटिंग ब्लॉक्स है वो कितने डिजिट के हैं 16 डिजिट की रिपीटिंग हो रहे हैं ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर आ गया। बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर हम 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 6 एक बार रीड कर लीजिए देन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप रेशनल नंबर के सेवरल एग्जांपल बताइए जो कि p / q के फॉर्म में होते हैं बट q नॉट इक्वल टू 0 वेयर। अब क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान देना कह रहा है कि p एंड q ऐसे इंटीजर हैं जिसके कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा ना हो ठीक है और वो वैल्यू कैसी आए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। अगर ऐसा हो रहा है तो वह कॉमन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको कुछ रैशनल नंबर के एग्जांपल देना है जो कि p / q के फॉर्म में है q नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q एक इंटीजर्स है जिनके नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इन द सेंस कि एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए राइट। दोस्तों ये इतना आपको समझ में आ गया। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जिसमें ऐसे नहीं होगा तो एग्जांपल के एग्जांपल ले लीजिए। देखिए अगर 2 / 5 कर रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.4। अब देख ध्यान से देखना वो वैल्यू क्या होगी p / q के फॉर्म में है लेकिन q नॉट इक्वल टू क्या है 0 तो इस तरह से हमारा प्रॉपर्टी बन गया p / q के फॉर्म में ये वैल्यू मैंने रैशनल नंबर रख लिया और यहां पे 2 एंड 5 के बीच में कॉमन फैक्टर अगर देखोगे तो 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखो यहां पे 2 × 1 और 5 × 1 ये तो कॉमन फैक्टर कितना है 1 ही है। चलिए ये हो गया फिर और हम करते हैं 3/2 3 एंड 2 के बीच में कॉमन फैक्टर कितना है 1 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.5 और भी एग्जांपल आप ले लीजिए 6/5 या 7/8 ले लीजिए तो यहां पे 2 के पावर्स है तो यहां पे कितना हो जाएगा आप इसको डिवीजन जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.875 करके देख लीजिएगा। और भी एग्जांपल आप ले लीजिए सपोज दैट आप ले लेते हैं कि 7/10 ले लीजिए तो कितना होगा 0.7 हो जाएगा। और भी एग्जांपल ले लेंगे आप 3/5 ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 0.6। तो देखिए यहां पर जो यहां पे 5 2 8 10 और इसे डिवीजन किया इन दोनों को कॉमन फैक्टर क्या है अदर देन 1 है। तो इसमें ध्यान देना है कि जब ऐसा चीज होता है और दी डिनोमिनेटर और आइदर 2 इसका ध्यान नोट करना और दी डिनोमिनेटर आर आइदर 2
और इट्स पावर, इट्स पावर, ठीक है, फाइव और फाइव और इट्स पावर, मैं भी बताऊंगा, एंड और कॉम्बिनेशन बोथ, कॉम्बिनेशन बोथ। देखिए यहां पर जो मैं ले रहा हूं, यहां तो फाइव है, यहां पर टू है, और यहां पर क्या टू की पावर थ्री है, और यहां पर क्या टू इंटू फाइव है, और यहां पर क्या फाइव है। तो यहां पर जो वैल्यू मैंने ले रहा हूं, या तो टू होगा या टू की पावर होगा, या फाइव होगा या फाइव की पावर होगा, या बोथ कॉम्बिनेशन होगा। तो यहां से कुछ ऐसा फॉर्मूला निकल के बन रहा है, ध्यान देना, कि टू की पावर, अगर क्यू की वैल्यू क्या हो, टू की पावर हो या फाइव की पावर हो, या टू इंटू फाइव की पावर हो, तो इस तरह की प्रॉपर्टी अगर डिनोमिनेटर में आती है तो कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिव हो सकता है। इन द सेंस आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि डिनोमिनेटर में टू की पावर हो, टू हो या टू की पावर हो, या फाइव हो या फाइव की पावर हो, या बोथ हो, यानी कि टू की पावर और मल्टीप्लाई फाइव की पावर हो, तो वो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिव हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में हो गई होगी, ठीक है। तो बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर सेवन एट और बताने वाला हूँ नाइन, ठीक है, सेवन एट नाइन क्वेश्चन बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर सेवन में दोस्तों पूछ रहा है कि थ्री एग्जांपल्स बताना है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन से स्टार्ट करते हैं, सेवन एट नाइन। तो क्वेश्चन नंबर सेवन में कह रहा है कि थ्री एग्जांपल्स बताना है आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। समझ में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग, इन द सेंस कि नॉन रिक्यूरिंग वाले हमको इरेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है, जो कि ऐसे नंबर बताना है डेसिमल एक्सप्रेशन में हमको करना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो एब्सोल्युटली क्या होगा ये, कि ये इरेशनल नंबर होने वाला है। तो चलिए हम कुछ बताते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एग्जांपल्स इसके, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिक्यूरिंग होंगे। तो पहला एग्जांपल जो मैं लिखने जा रहा हूँ वह क्या लिखना, सेवन पॉइंट। तो मैं बता दिया ना कि ऐसे टर्म लिखना है जो कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा, समझ में आ गई बात। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो इनको आपको याद रखना है या निकाल के भी देख सकते हो, फोर वन वन, फोर ट्रिपल वन, फोर और फोर टाइम वन फोर, ये वैल्यू कभी भी टर्मिनेट नहीं हो सकती और रिपीट नहीं हो सकती। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, केवल तीन एग्जांपल बताने हैं, सपोज दैट जीरो पॉइंट वन जीरो,
100100 और इस तरह से आप उसको निकाल सकते हो, या आप ऐसा कर लो 200000 000 000 3 4 times 0 4 ऐसे, ये वैल्यू कभी भी टर्मिनेट नहीं होने वाली, ठीक है। और एक वैल्यू और अच्छे से जानते हो जो कि पाई की वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14416। ये वैल्यू भी कभी टर्मिनेट नहीं होती है। तो ये एकदम इजी एग्जांपल्स हैं जो कि कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब हमको थ्री एग्जांपल्स बता रहे हैं जो कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द इरेशनल नंबर 5 upon 7 and 9 upon 11। इन द सेंस कह रहा है कि 5 upon 7 और 9 upon 11 के बीच में थ्री इरेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। बहुत आसान है, घबराइए नहीं, मैं इसको भी बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे टू फाइंड लिखिए, टू फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर, ये क्या लिख लो, टू फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन दी रेशनल नंबर, कौन से रेशनल नंबर है आपका, 5 upon 7 and 9 upon 11। अब इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। अगर आप 5 upon 7 को डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है आपकी, आप मान लीजिए सपोज दैट इसको मान लिया आपने a, तो a की वैल्यू क्या आ गई इसकी, अगर आप कैलकुलेट करोगे डिवाइड करके देख लीजिए तो आपकी आएगी 0.71285, ठीक है, 7 1 2 8 7 1 4 2 8 5, इस तरह की वैल्यू आएगी और टर्मिनेट नहीं होगी, राइट। और दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू आपकी अगर 9 अपान इस पर डिवाइड करोगे तो 9 अपान इसके डिवाइड करोगे आप तो आपका इसको मान लीजिए b, बी का 9 upon 11 डिवीजन करोगे तो फर्स्ट टाइम से डिवीजन होगा ही, डिवीजन करके देख लेना, अगर आपको डिवीजन करना है तो यहाँ पर डिवीजन करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्या करना है, डिवीजन आपको 9 11 करना है, तो फर्स्ट टाइम डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगा दोगे तो हो जाएगा 0, अब क्या डिवाइड हो जाएगा, हाँ यस 88 डिवाइड होगा, कैरी कितना आ गया 2, पॉइंट लग गया, 1 टाइम से हो जाएगा 11, अब क्या आ गया 9, दोस्तों फिर से 9 आ रहा, 8 9 8 9 बार बार आ रहा, तो आप 8 9 0 फिर आ जाएगा आपका 8, तो इस तरह से इसमें आएगा, तो आप इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, 0.81 बार, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा, इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर निकालना, इन दोनों के बीच में इरेशनल निकालना, तो आप अच्छे से जानते हो कि टू रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मेनी इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि देयर आर एन इनफाइनाइट number of irrational number between
बिटवीन दीज टू टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कितना आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्यों लिखवा रहा हूँ कि देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, टू रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। चलिए अब अगर यहाँ पर देखें वी विल चूज एनी थ्री, इनके बीच में आप कोई भी आप कर सकते हो। अब देख ध्यान से देखना कि जो भी इरेशनल नंबर लोगे वो ए से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। तो हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया है, तो एक्स ले लिया मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे 0.71 है तो यहाँ पे 72 से लेना आपने को, तो इससे बड़ा हो जाएगा 72 ले लिया, ठीक है। अब 72 ले लो या कुछ 75 ले लो, जो भी आपको लेना हो, मान लो कि 75 ले लिया, 0, 75, 00, 75, 000 और 75 और इस तरह से कर दीजिए। अब क्या ये आपको रिपीट होते दिख रहा दोस्तों, ये मत बोलना कि यहाँ 75 आ रहा है 70, लेकिन यहाँ पे 0 भी आ रहा साथ में, ये रिपीट नहीं होगा। हमने एक और ले लिया बाई, बाई हमने क्या कर लिया 0.1 से थोड़ा बड़ा लेंगे तो 6 कर दिया, 0, 7, 6, 7, 6, 7 कर दिया, ठीक है, 0, 7, 6, 7, 00 और यहाँ पे क्या होगा 7, 6, 7 और ये कर दिया। और एक हमने जेड ले लिया जो कि है 0.8, अब देखो 8, 1 है 8, 1 तो क्या करना 8, 0 इधर से इससे छोटा और 00, 8, 000, 8, 00 तो यहाँ से ये बात निकल के आती है, थोड़ा सा समझना, इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू आई है वो क्या है, ए से ग्रेटर देन है एक्स एंड एक्स से ग्रेटर देन है वाई एंड वाई से ग्रेटर देन है जेड एंड जेड लेस देन है किससे, बी से। तो ये जो हमारे तीन है ये किससे, इनके बीच में है, ए एंड बी के बीच में है और ये क्या है इरेशनल नंबर है, ये क्या है इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर इन द सेंस किस फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में, किस फॉर्म में है डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल में है। और ये दोनों ए एंड बी क्या है दोस्तों, ए एंड बी क्या है रैशनल नंबर है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी इसी बात, तो बहुत आसान है। जब भी ऐसा कभी रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालने को देता है तो आप उसको निकालेंगे डेसिमल में और उसके ऊपर का कुछ भी आप इस तरह से लिखेंगे जो कि टर्मिनेट ना हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, उसमें आपको ये देखकर बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो लास्ट एक और लास्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन बताता हूँ, इसके साथ हमारी आज की क्लास लास्ट क्लास होगी। चलिए दोस्तों आज की लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और 1.36 साथ आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये 5 नंबर्स हैं जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें कह रहा है कि आप इनको बताइए कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की कंडीशन बताया था, रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है और इरेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है। दोस्तों इतना चीज समझ में अगर आया गया होगा तो आपको ये बहुत आसान लगेगा, बोलोगे सर क्यों बता रहे हो, मैं कर लूंगा, ठीक है। जो कर लेंगे उनके लिए तो नहीं बता रहा, जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या देखना है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, या तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं, याद रखना टर्मिनेटिंग होते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं, याद रखना रिपीटिंग होते हैं। और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, रिक्यूरिंग का मतलब वही होता है रिपीटिंग, लिख दे रहा हूं रिपीटिंग, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके
ये पॉइंट याद रखना है, अगर ये बनेगा तो ये आसानी से बन जाएगा। अब देखो 423 का रूट स्क्वायर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो 23 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा ये, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, इरेशनल नंबर। अब देखिए इसका अगर निकालोगे कितना आ जाएगा, 15 अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 15 का अगर आप निकालते हो स्क्वायर रूट निकालते हो कितना आएगा, 225 आएगा, सॉरी 225 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 15 आएगा, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 करके चेक कर लो, 15 into 15 15 5 75 पहली और 15 होगा 15 2 पर 3 ये देखो ठीक है ये हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे क्या टर्मिनेटिंग ये टर्मिनेटिंग है यहाँ पे क्या मॉड लगा है नहीं लगा बार का साइन लगा हुआ नहीं लगा हुआ मतलब इसके आगे कुछ नहीं जा रहा ये क्या हो जाएगा आपका अच्छा ये क्वेश्चन ये दोनों क्या हो जाएंगे रैशनल हो जाएंगे रैशनल नंबर बिकॉज ये इसको फॉलो कर रहे हैं, या तो टर्मिनेटिंग हो रहे हैं और दूसरा और भी क्या होगा, मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा, ये दोनों क्या है टर्मिनेटिंग के कंडीशन में, ये भी टर्मिनेटिंग है तो ये भी होगा और ये भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पता चला ये टर्मिनेटिंग है, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी क्लियर, ये तो सेम टू सेम ये भी दिख रहा है, ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग है, ये क्या भी, ये भी हो जाएगा इरेशनल। और इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम बेहतर से बेहतर आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपके कमेंट को सॉल्व करके जरूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।